अकेले अपनी रणनीति पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेरा बहुत बड़ा मिशन है बिहार के विकास को लेकर। करूंगा भाजपा के तमाम उन नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे जनाधार वाला नेता कहा, उन्होंने मुझ पर उन्होंने अपना विश्वास जताया। बट सबसे पहले मैं तमाम उन नेताओं का और खासतौर पर आदरणीय लालू जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे अभिभावक तुल्य रहे, मेरे पिता के समकक्ष रहे उनके। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर लगातार चर्चा होती है क्योंकि वो गठबंधन में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और कई बार जिक्र भी हुआ है कि वो बड़े जनाधार वाले नेता हैं, भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया है। ऐसे में चिराग पासवान को राजद की तरफ से भी ऑफर था, इस बात का जिक्र अब खुले मंच से कई नेताओं ने कर दी है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने खुद ही बताया है कि वो राजद के साथ क्यों नहीं गया, लालू प्रसाद यादव के ऑफर को उन्होंने क्यों ठुकराया। साथ ही साथ चिराग पासवान ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें 15 सीटें मिल रही थी लेकिन वो नहीं लड़े क्योंकि वो चाहते थे कि पार्टी का जनाधार और मजबूत किया जाए। 15 सीट पर जीत कर वो सीमित होना नहीं चाहते थे, वो अपना पूरा ऑप्शन खुला रखना चाहते थे और अधिक संख्या में वो उनके लोग जीत कर आते, इस बात का जिक्र चिराग पासवान ने भी किया है। चिराग पासवान ने हमारे साथ बातचीत करते हुए तमाम मुद्दों को रखा है और सबसे अहम मुद्दा लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। देखिए वीडियो। बात तो है कि ऑफर तो आपके पास है, भाजपा के लोग भी बुला रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं, वो दावा भी कर रहे हैं कि जब बाकी लोग आ सकते हैं तो ये क्यों नहीं। नीतीश कुमार से लड़ने के लिए भी भाजपा के कुछ लोग तैयार हैं, एक बड़ा हिस्सा है आपके साथ और कहीं ना कहीं विपक्ष से भी लगातार आप जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं, एक आंदोलन की छवि आपकी बनती जा रही है तो उसकी वजह से विपक्ष चाहता है कि आप भी साथ आ जाएं। लालू यादव ने भी आपको ऑफर दिया है तो क्यों नहीं इस पर कुछ सोच रहे हैं? नहीं भाई, मैं जैसा मैंने कहा मेरी प्राथमिकताएं आज अलग हैं। बट सबसे पहले मैं तमाम उन नेताओं का और खासतौर पर आदरणीय लालू जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे अभिभावक तुल्य रहे, मेरे पिता के समकक्ष रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया है, उन्होंने जिस तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे अपना समर्थन दे के मेरा हौसला बढ़ाया, उनका धन्यवाद करूंगा। भाजपा के तमाम उन नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे जनाधार वाला नेता कहा, उन्होंने मुझ पर उन्होंने अपना विश्वास जताया। बट आज की तारीख में जैसा मैंने कहा मेरी प्राथमिकताएँ अलग हैं। अकेले अपनी रणनीति पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेरा बहुत बड़ा मिशन है बिहार के विकास को लेकर, उसको लेकर मैं अभी अकेले काम करना चाहता हूं, जन जन तक उसको पहुंचाना चाहता हूं, तो इसलिए बिना गठबंधन के अभी अकेले काम करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।